यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इनको अंदर मसला क्या है? क्या अंदर मसला है जो बाहर आके सारी ये जाली काट दी गधे? ए डोरा इसको समझाया कर, देख किस तरह खुद को फंसा के बैठा हुआ है। ए यार इसको कैसे निकालूं? वो तो शुक्र है बिल्ली वगैरह नहीं है, वरना इसका तो काम तमाम हो चुका हुआ था। तुम्हें भूख लगी हुई है और ये पीटर फंस के बैठा हुआ है। ये ले डोरा, ए डोरा मेरी, ये तेरे लिए गोभी का फूल, राम से खा प्यार से खा, आ जा तू भी खा ले आगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मोहम्मद कासम भट्टी, ये है हलाल ज़ू। तो हलाल ज़ू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चलें जी, शुरू करते हैं। बाय चांस मेरा यही टाइम है ऊपर आने का, मैं ऊपर आया, आज डोरा नहीं बल्कि पीटर ने अपना सर जाली में फंसाया हुआ था और बेचारा मरने के करीब था। अगर मैं जल्दी ना आता तो ये बंदा तो गया था, या फिर बिल्ली ने काम तमाम। और यार ये बहुत बक बक कर रहे हैं, फिर इनको कुछ डाल देते हैं। इनकी सारी फीड डाल दी है, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, पानी साफ भर दिया, ये भी पानी साफ भर दिया। अहमद इनको खोल दो बेटा, इनको खोल दो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, खोल दो जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी, आप पीछे हट जाओ खोल के। भाई बारिश भी स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट टाइम है कि हलाल ज़ू के अंदर बारिश हो रही है। तो बारिश के अंदर इनकी फीड वगैरह सब डाल दी हुई है, अभी जल्दी से खा लें। वो रैबिट खा रहे हैं और ये भी हेंस कार्ड और टकिस कार्ड भी खा खो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली रहेगी, वो फैमिली कौन सी है? बटेर फैमिली। तो उनको भी कुछ डाल देते हैं इससे पहले कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो और बारिश में कोई ना कोई नुकसान हो जाए, तो बेहतर है कि उनको जल्दी से फीड वगैरह और पानी वगैरह पिला दिया जाए। ये वाइट वाला बटेरा, इसको भी पानी डाल दिया और फीड इसको डाल दी हुई है। अब यहाँ पे जैसे भी इनको पानी डालता हूँ ना, ये पानी फौरन नीचे करा देते हैं। इनका यही मसला है, अब दोबारा इनको पानी भर के देना पड़ता, अब नीचे ही पानी पियो, दोबारा पानी में भरने वाला नहीं हो आज। अच्छा ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाएगी, लेकिन जिस तरह ये बादल बना हुआ था ना, इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत हल्की हो रही, इतनी नहीं है कि इनको अंदर बंद किया जाए। ये जो बारिश है ना, इसमें ये एडजस्ट कर ही लेंगे, अगर तेज़ होगी तो वो उनका कवर शवर सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर वो भाग जाएंगे। अब डोरा और पीटर का तो वैसे ही सारे का सारा माहौल A1 है, ये अंदर आराम से बैठ ही जाएंगे। तो यहाँ पे ना फर्स्ट यहाँ पे तो यहाँ पे ना पहली बार होगा ऐसा कि बारिश हुई है और बारिश के अंदर ये किस तरह सर्वाइवल करते हैं ये देखा जाएगा। ये जो बाद में स्कार्ड आया था ना, ये इस तरह ही अभी हल्का फुल्का ही सेहतमंद रह रहा है, कभी बीमार है कभी सेहतमंद है। इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह एक्टिव होंगे, या तो इनको फीड रास नहीं आ रही या फिर यहाँ का इनको पानी रास नहीं आ रहा, कुछ तो कुछ ऐसा है। भाई ये पीटर ने नेट खराब किया है, कितना यहाँ पे खुल गया, इसके अंदर तो आराम से बिल्ली वगैरह जा सकती है। अब इसको मैं ठीक कर दूँ, पता नहीं कब का यहाँ पे फंसा हुआ था और ये उल्टे सीधे काम कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है तो फिर ये इस तरह के पंगे क्यों लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जाली खराब हुई थी, ये मैंने गांड दिया, अब यहाँ पे कुछ और ना साथ और भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। बारिश चली गई है, बारिश नहीं हुई, मुझे ये था कि हलाल ज़ू के अंदर आज बारिश का मंजर देखेंगे कि किस तरह बारिश होती है और मेरे जो डकिस कार्ड हेंस कार्ड और रैबिट हैं वो किस तरह सर्वाइवल करते हैं, किस तरह वो अपने घरों के अंदर भागते जो उनको मैंने बना के दिए हुए हैं। लेकिन बारिश थोड़ी सी हुई है और फौरन हट गई है, उसी दौरान इन्होंने सब कुछ खा पी लिया, पानी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इनकी फीड थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ज़ीरो हो चुकी हुई है। अच्छा डोरा ने जो बच्चे दिए थे ना, उनको तकरीबन आज 9वां या 10वां दिन है, तो मैंने सुना था कि 10 दिन बाद ना उनकी आइज़ खुल जाती हैं। तो आज पता नहीं मेरा दिल क्यों कर रहा है कि मैं इसको हटाऊँ और अंदर ना मोबाइल फ़ोन की रोशनी से देखूँ या फिर कैमरे की आँख से देखूँ कि अंदर क्या कंडीशन है, कितने बच्चे हैं, किस तरह के बन रहे हैं, उनके क्या बाल आए हैं, उनकी आइज़ खुली हैं, जो भी सूरत हाल है वो वाजिया हो जाए। तो क्या ऐसा किया जाए? मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। चलो जी देखते हैं कि अंदर वैसे क्या चल रहा है। इतना मज़बूत नहीं है कि इसको हटाया ना जा सके। भाई यहाँ से देख के लग रहा है कि ये रुकावट बनी हुई है कि इसके बच्चे बाहर ना आए, मतलब कि अभी वो उनकी आइज नहीं खुली हुई। ये देख, ये मूवमेंट हो रही है और आगे जा। ओ वाओ, मुझे लग रहा है कि अभी इनकी आइज नहीं खुली, अगर इनकी आइज खुली होती ना तो इन्होंने बाहर आ जाना था, इस तरह इन्होंने लेटे नहीं होना था। ये सारे लेटे हुए हैं, मतलब कि इनकी आइज खुली नहीं है और ना ही इनको मैं हिलाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से ये बैठे हुए हैं ना या लेटे हुए, इनको वैसे ही रहने देता हूँ। भाई अंदर का माहौल तो अमेजिंग था, जिस तरह का शूट हो सका मैंने शूट करने की कोशिश की,
दो तो मुझे नज़र आ गए, तीसरे की मूवमेंट नज़र आ रही थी, वो हिल रहा था और कहीं वो नीचे था। जिस तरह का डोरा ने उनको माहौल बना के दिया, वो उसी माहौल के अंदर वो बड़े आराम से लेटे हुए हैं। मतलब कि अभी इनकी आइज़ नहीं खुली, ये था कि 10 दिन के बाद इनकी आइज़ खुल जाती हैं, क्या पता कल खुल जाए या फिर परसों खुल जाए। लेकिन देखा गया कि इनके अभी तक बाल भी अच्छे से नहीं आए। इनकी जो स्किन है रेड वाली वो नज़र आ रही है और ऊपर हल्के हल्के वाइट कलर के बाल नज़र आ रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अभी इनकी आइज़ नहीं खुली, अभी सही से ये एक्टिव नहीं हुए कि खुद यहाँ से बाहर आएँ। ये बच्चे जब खुद एक्टिव होंगे तब यहाँ से वो बाहर आएंगे, अदरवाइज़ वो एक्टिव नहीं है। हम खुद कोशिश करेंगे ना कि उनको निकालें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इनको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता नुकसान ही होगा कि उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है, मे भी उनकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। वह जैसे ही उनकी एज ज़्यादा होगी, बाहर निकलने के काबिल होगी, खुद ही बाहर आ जाएंगे। लो जी, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, मुकम्मल तौर पर फीड का सफाया हो चुका हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है और काफ़ी पानी पी भी लिया गया है। यहाँ पे खातिरदारी अच्छी खासी होगी, मज़ीद इनके लिए और भी एहतमाम किया जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ये बेचारा मेरे पास आ जाता है। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन एक काम ये हुआ कि मैंने डोरा के बच्चे देख लिए जो बहुत ही क्यूट से हैं। तो आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।